बिल्लू, क्या किसी जंग में जा रहे हो? नहीं जोजी, यह तो पैसा कमाने के लिए है। क्या किसी बैंक में डाका डालोगे? ओहो, क्या तुमने सर्कस में इंसानी तोप नहीं देखा जो गोली की बजाय आदमी को फेंकती है? मैंने वैसी ही बनाई है। क्या यह सचमुच ऐसा कर सकती है? हाँ, मैं दिखाता हूँ। मैं तोप के अंदर जा रहा हूँ, तुम ऊपर से बारूद भरकर फायर कर देना। समझ गई। यह बारूद डाल दिया और यह फायर। डक्कन, अगर यह इंसानी तोप हमें मिल जाए तो हम लोग करतब दिखाकर नाम और पैसा कमा सकते हैं। बजरंगी, क्या बिल्लू वह देगा हमें? मांगता कौन है? हम रात को उसे चुरा ले जाएंगे। रात कोई नहीं देख रहा। ढक्कन, मैं तोप कब्जे में करता हूँ, तुम रबड़ फोम। इससे पहले कि वह चूहा जागे, इन्हें स्टेडियम ले चलो। सचमुच यह रोमांचकारी खेल है, आओ देखें। टिकेट उधर। अरे, अपनी तोप कहाँ गई? बिल्लू, उसे बजरंगी पहलवान स्टेडियम में अपने नाम से करतब दिखा रहा है। ओह, स्टेडियम का गेट बंद हो गया। खेल शुरू होने वाला है। पीछे की तरफ पड़े इन पत्थरों के सहारे हम अंदर जा सकते हैं। आओ, लोग बजरंगी पहलवान की वाहवाही कर रहे हैं। झूठा फरेबी, वह तोप के अंदर घुसा। बारूद को आग लगाओ। मेरे रबड़ फोम, इन्हें मैं खिसका लेता हूँ। पहलवान, तुम अस्पताल में कम से कम 3 महीने रहोगे। बिल्लू, किस सोच में पड़े हो? जोजी, मैं किसी को बेवकूफ बनाने की सोच रहा हूँ। इससे हमारा मनोरंजन होगा और बोरियत दूर होगी। लेकिन तुम्हारी सारी ट्रिक्स पुरानी हो चुकी है, कोई धोखे में नहीं आएगा। तुमने काले को गोरा करने कला पाउडर बांटा, जिसने उसे बदन पर छिड़का, उसे खुजली होने लगी। अब सब तुम्हारे पाउडर से सचेत हो गए हैं। फिल्म शो की फ्री पास वाली ट्रिक कैसी रहेगी? सबको पता है कि उस जाली पास पर कोई गेटकीपर सिनेमा हॉल में नहीं घुसने देगा। और यह सेंचुरी बनाने वाला बैट, पिछले क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने इसे देख लिया है। तुमने टीम के कप्तान से कहा था कि इस बैट से शर्तिया सेंचुरी बनती है, लेकिन जब बैट्समैन ने पहला गेंद खेलना चाहा, बैट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सारे दर्शक हंस पड़े थे। लेकिन पुच्छल तारा दिखाने वाली दूरबीन किसी को पता नहीं है। जरा उसे इधर देना। आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है, एक पुच्छल तारा। जोजी, दरअसल जो तुमने देखा वह आसमान का पुच्छल तारा नहीं था। मेरी दूरबीन खोलकर दिखाता हूँ। इस दूरबीन में मैंने एक छोटा सा कांच का पुच्छल तारा रख दिया है। जो कोई देखता है उसे यही दिखाई देता है। आओ, अब किसी को बेवकूफ बनाते हैं। सचमुच अच्छी दिल लगी रहेगी। गब्दू मोनू, आसमान में क्या देख रहे हो? हवाई जहाज। मेरी दूरबीन तुम्हें पुच्छल तारा दिखा सकती है। अच्छा, जरा देखे। हाँ, मैंने आसमान में पुच्छल तारा देखा। बिल्लू, क्या यह दूरबीन तुम मुझे बेच नहीं सकते? यह 5,000 रुपए की चीज तुम्हें सिर्फ 100 रुपए में मिल सकती है। मंजूर है, लेकिन मेरे पास कैश नहीं। तुम उतनी कीमत के गॉगल्स ले सकते हो। मैं काला चश्मा नहीं पहनता। मैं पहन लूंगी, ले लो। यह अच्छा सौदा रहा। गप्तू, बिल्लू ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। सामने तो पेड़ है, फिर तुम्हें आकाश में पुच्छल तारा कैसे दिखाई दे गया? जानता हूँ मोनू, एक पुच्छल तारा देखने के लिए वैज्ञानिकों को वर्षों लग जाते हैं। फिर भी तुमने एक घटिया दूरबीन के बदले में अपनी कीमती गॉगल्स दे दिया। क्यों क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि कोई दिलचस्प घटना हो, बोरियत दूर हो। अभी उनको देखना। मैं यह गॉगल्स पहनकर देखती हूँ। हाँ, कहो कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत, फिल्म एक्ट्रेस जैसी। ओ, 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 क्या हुआ?
ये गॉगल्स नहीं, मामूली सफेद चश्मे पर काला रंग पोता हुआ है जो उतर कर मेरे चेहरे पर लग गया। ओह, इस शोर से मेरे कान फटे जा रहे हैं। बिल्लू अपने कमरे में गिटार बजा रहा है। यह गिटार हमारे लिए सिरदर्द बन गया है, बंद करो इसे। पापा, मैं संगीत को नहीं छोड़ सकता। सुनो, क्यों नहीं हम इस गिटार को कहीं फेंक दें? क्या बिल्लू ऐसा करने देगा? रात को जब बिल्लू सो जाए तो चुपके से गिटार को चुरा लेंगे। यह मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसे किसी भी तरह से अलग नहीं होने दूंगा। हेलो, चोर अलार्म कंपनी, मुझे अपनी कीमती चीज बचानी है, आप आकर अलार्म फिट कर दीजिए। कीमती चीज कहाँ रखी है? अंदर चले आइए। इस पुराने गिटार को कौन चोर ले जाएगा? तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया। तो फिर चोर क्या ले जाते हैं? जेवर, नकदी। मेरे लिए यह गिटार उनसे कहीं ज्यादा कीमती है, तुम अपनी फीस से सरोकार रखो। तुम ठीक कहते हो। देखो, इस अलार्म की एक तार गिटार से जोड़ दी है, गिटार को छूते ही अलार्म बजने लगेगा। अब चैन से सोना। रात। यह कैसी आवाज? अलार्म बोला, किसी ने मेरे गिटार को छुआ। मम्मी पापा, क्या तुम लोगों ने मेरे गिटार को छुआ था? नहीं बेटा, हम तो कमरे में सो रहे थे। छिपकली चढ़ गई होगी और अलार्म बोलने लगा। बिल्लू, इस अलार्म को बंद करो, हमें सोना है। कंपनी का मैकेनिक इसे बंद करने का तरीका तो मुझे बताकर नहीं गया। क्यों ना मेन स्विच बंद कर दे, उससे सारे घर की लाइट्स, पंखे, कूलर्स और फ्रिज वगैरह बंद हो जाएंगे। उस मैकेनिक से इसे बंद करने का तरीका पूछता हूँ। वापस आओ। क्या रात में रक्षा खुली होगी? क्यों ना हम कानों में रुई ठूस कर सो जाएं? यह ठीक रहेगा। सुबह। सॉरी, कल मैं आराम को बंद करने का रिमोट कंट्रोल देना भूल गया था, यह लो। रघुपति, यह सामान क्यों बिखरा पड़ा है? कल रात मेरे घर चोरी हो गई। गोकुल भाई, उदास क्यों बैठे हो? कल रात मेरे घर चोर घुसाए, सिर्फ तुम्हारा घर छोड़कर चोर सबके घर में गए। बिल्लू, चूंकि हमारे घर में अलार्म बज रहा था इसलिए हमारे घर में सेन नहीं लगी, तुम गिटार रख सकते हो। बाबा जी, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। बच्चा, हमेशा दूसरों के काम आओ और उनकी मदद करो। मैं ऐसा ही करूंगा। हो, अगर संसार में अच्छा काम करने वालों की संख्या बढ़ती गई तो मुझे कौन पूजेगा? शैतान, तेरे उपासक खत्म हो, इसी में विश्व की भलाई है। भलाई करने से क्या हासिल होता है? तुम्हारे पास एक ब्लेड भी नहीं है जिससे तुम अपनी शेव कर सको, जबकि मेरे पूजने वालों के पास सब ऐशो आराम है। शैतान, मेरे पास मन की शक्ति है, जबकि तुम हमेशा भटकते और परेशान रहते हो। मैं अपने उपासकों की संख्या कम नहीं होने दूंगा, मैं उस लड़के से बुरे काम कराऊंगा। मैं चला। मुझे भेष बदलना चाहिए, शैतान से संत बनना चाहिए। बिल्लू, क्या मेरा एक काम कर दोगे? यह अंडे श्री गुलाटी के फार्म में दे आओ। क्यों नहीं मिसेज बोस, बाबा जी के उपदेश के मुताबिक मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ। बिल्लू, अरे आप इन अंडों को नीचे पटक दो। आप क्या कह रहे हैं, गिरने से अंडे टूट जाएंगे? जैसा मैं कहता हूँ करो। लो, अंडे से चूजे निकले। अच्छा हुआ, मैं तुम्हें श्री गुलाटी के फार्म पर इसीलिए भेज रही थी क्योंकि वहाँ पर चूजे निकालने की मशीन है। जब तक काम न हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। रुको बच्चा, मिसेस बोस ने मेरे काम की प्रशंसा की। अब एक दूसरा काम करो, यह लो पत्थर और उस खिड़की पर दे मारो। मगर ये तो बुरा काम होगा ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे बहस मत करो, मारो पत्थर।
धन्यवाद, ये डाकू पिस्तौल दिखाकर मुझे लूटना चाहता था। तुम्हारे पत्थर से वह धराशायी हो गया। फिर ना काया ये हाथ लगी। बिल्लू, मेरे इस पेड़ के पत्ते बढ़ गए हैं, जब तक खाना खा के आओ क्या तुम छटनी कर दोगे? क्यों नहीं अब्दुल मिया। बच्चा लो कुल्हाड़ी और पेड़ काट डालो। मगर मुझे सिर्फ पत्तों की छटनी करने को कहा गया है। पेड़ गिरेगा तो पत्ते नहीं गिरेंगे। इस बार मैं कामयाब हो गया। असली रूप में आ जाओ, मैं हार गया। ओह हाय नुकदी, क्या हुआ? क्या किसी ने डांटा? उससे भी बदतर, मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया। मुझे वजन घटाने के लिए डाइटिंग करनी होगी। मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। डाइटिंग का घर छोड़ने से क्या ताल्लुक? बेटी पूड़ी और हलवा खा लो। देखा तुमने, जब तक मैं इस घर में रहूंगी माँ मुझे कुछ ना कुछ खिलाती रहेगी और मेरा वजन कम नहीं होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ गोपी के घर चल लो। गोपी, यह नुकदी तुम्हारे घर कुछ दिन रह सकती है, क्यों नहीं बिल्लू? मेज पर इतने सारे लड्डू, बर्फी, समोसे, कचौड़ी वगैरह। गोपी का बाप हलवाई है, हलवाई के घर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? मैं इस घर में नहीं रह सकती, इतनी सारी मिठाई देखकर किसका मन खाने को न ललचाएगा। रुको, मैं तुम्हें दूसरे घर ले जाता हूँ, सिर्फ 4 किलोमीटर। कितनी दूर है? आओ, यहाँ मेरी मित्र अनीता रहती है। अनीता, क्या मेरी मित्र कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह सकती है? खुशी से। तुम्हारी अलमारी में इतने सारे केक और पेस्ट्री? मेरे पिताजी की कन्फेक्शनरी है। फिर वहाँ ले आए जहाँ मोटापा बढ़ाने की चीजें हैं। मुझे पतला होना है, समझे? मैं वहाँ नहीं रह सकती। इस बार मैं तुम्हें ऐसे मकान में ले चलूंगा जहाँ न हलवाई रहता है और न कन्फेशन है, बल्कि उसका खाने की चीजों से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। यह है मिसेस साही, भारत की मशहूर लेखिका। यहाँ, हाँ यह जगह ठीक है, मुझे ललचाने के लिए यहाँ कोई खाने का सामान नहीं। आजकल आप क्या लिख रही हैं? कुकरी पर एक किताब, इसमें तरह तरह के खाने की 501 विधियां बताई गई हैं, जिसमें चाइनीज, मुगलई, कॉन्टिनेंटल, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन डिशेज। तौबा, मैं यहाँ नहीं रह सकती जहाँ लजीज खाने का जिक्र हो। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। नुकदी, तुम वापस आ गई हो, जरा मशीन से वजन तौलो। ठीक है। हुर्रे, मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। जो तुम कई घंटों तक भागी दौड़ी ये उसी के कारण हुआ। नट्टू, क्या मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं, यह काटा किसी और काम के लिए है। बिल्लू ने मेरे बापू पहलवान बजरंगी को बहुत सताया है, आज बेटा बाप का बदला लेगा। लेकिन यह मछली पकड़ने का काटे से तुम उसे कैसे सबक सिखाओगे? भोकू, देखते जाओ, उसे गहरी चोट लगेगी और पता भी नहीं चलेगा कि यह किसकी कारस्तानी है। यह बिल्लू के सोने का कमरा है, मैं अंदर कांटा डाला और तकिया उसमें अटक गया। मैंने उसे बाहर खींच लिया, लेकिन इससे बिल्लू को क्या सजा मिलेगी? सब्र करो। मैंने तकिए की रुई निकाल दी और उसकी जगह नुकीले कांटे भर दिए। अब मैंने तकिए को वापस बिस्तर पर रख दिया। बिल्लू जब थका हारा आएगा और सोने के लिए जो ही सिर तकिए पर पटकेगा, उसे कीले चुप जाएंगे। बिल्लू, गब्दू के घर डांस म्यूजिक हंगामा है, चलोगे? नहीं जोजी, मैं क्रिकेट खेलकर थक गया हूँ, घर जाकर मैं तकिए पर सिर पटक कर सो जाऊंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। ओह, बजरंगी पहलवान मेरे घर जा रहा है, मैंने उसे 20 रुपए उधार देने हैं, मुझे यहाँ से खिसकना चाहिए। जोजी रुको, मैं डांस म्यूजिक हंगामे में आ रहा हूँ। बिल्लू घर पर है? नहीं, कब तक लौटेगा?
उसके घर पहुंचने का टाइम हो गया है, बेडरूम में जाकर उसका इंतजार कर सकते हो। ठीक है, मैं नरम गद्देदार बेड पर आराम करता हूँ, जब वह आ जाए बता देना। आज मैं पैसे लेकर जाऊंगा। मेरा साथ। अगर बिल्लू कहीं मिल जाए तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर जूता बनाता हूँ। बापू फिकर ना करो, मैं षड्यंत्र रचाया हूँ। बिल्लू के सिरहाने में मैंने कीले भर दी थी। नट्टू, तो वो तुम थे जिसने तकिए में कीले भरी थी? हाँ। ओह नो। बापू आज मैंने बड़े चित्र बनाए। अच्छा बेटा। मैं ना कहती थी मेरा बेटा होशियार है, बड़ा होकर जरूर माँ बाप का नाम रोशन करेगा। कहाँ है वो चित्र? ड्राइंग रूम में बापू, देखिए। ओह, तुमने सारी दीवारों का सत्यानाश कर दिया। मैंने कुछ दिन पहले ही मकान का रंग रोगन कराया था। इधर दो रंग और ब्रश, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे कमरों को भी खराब करो। पेंट और ब्रश गए कूड़ेदान में। उम्मीद है अब लाठी दीवार खराब नहीं कर सकेगा। बापू मेरी चित्रकारी देखने चलोगे? देखिए, इस बार तुमने मेरे बेडरूम को खराब कर दिया, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। लेकिन मैंने तो तुम्हारे रंग और ब्रश फेंक दिए थे, फिर तुम चित्रकारी कैसे की? कोयले से रसोई में हाँ मिल गया था। हे ईश्वर, मेरा क्या होगा। रस्तोगी जी, आप क्यों परेशान हैं? देखो बिल्लू, लाठी मेरे घर की दीवारों का नुकसान कर रहा है। उसके दोनों हाथों पर ग्लव्स बांध देते हैं, वो ब्रश कोयला चौक पेंसिल कुछ भी नहीं पकड़ सकेगा। अब तुम दीवार खराब नहीं करोगे। यह उत्तम तरीका रहा बिल्लू, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। क्या लाठी है? बेटे मास्टर जी ट्यूशन पढ़ाने आए हैं। हैं? कल मैंने इसे डांटा था, बदला लेने के लिए इसने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए। अच्छा हुआ यह आ गए, होमवर्क करने के लिए ग्लव्स तो खुल जाएंगे। बाप रे, भागो। मास्टर जी रुकिए। ना बाबा, मैंने ऐसे लड़के को नहीं पढ़ाना जो मरने मानने पर उतारू हो जाए। हाथ खुलने की उम्मीद थी वह जाती रही। ओ, पेंटर दीवार पर लिखकर शायद खाना खाने चला गया है, उसके रंग रखे हैं। ग्लव को रंग में डुबो लेता हूँ। लाठी, तुम्हारे ग्लव पर रंग? एक पेंटर के डब्बे से लिया है, इससे मैं मॉडर्न आर्ट बनाऊंगा। लेकिन दीवारों पर नहीं। तो फिर किस पर करूं? दीवारों को छोड़कर किसी पर भी। इसके ग्लव्स उतार लो। बिल्लू, कल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, मैं तो हिल स्टेशन जा रही हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जोजी, इम्तिहान के दिनों में बड़ी पढ़ाई की, इसलिए सबसे पहले किताबों को ताले में बंद करूंगा, कल मैं देर तक सोऊंगा, कुछ दिनों तक केबल टीवी देखूंगा, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूंगा, शहर में कुछ लोगों से गप्पे मारनी है और फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाना है। अच्छा, चलती हूँ, बाय। भरपूर आराम करता हूँ। बिल्लू बेटा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मम्मी, कल से स्कूल के 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इसका मतलब कि तुम फ्री हो? बिल्कुल। तो कल से तुम काम करना है, सवेरे उठकर दूध लाना, किचन गार्डन में पानी देना, कार धोना, धोबी से कपड़े लाना, चक्की से आटा पीसा कर लाना, घर के जाले उतारना, बिजली का बिल देना। ताजी, आप किस सोच में बैठे हैं? बिल्लू, शाम को मैंने एक विशाल सभा में बोलना है और मेरा भाषण लिखने वाला सेक्रेटरी बीमार पड़ गया है। फिक्र ना करें, भाषण मैं लिख दूंगा, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा, मगर भाषण ऐसा लिखना जो असरदार हो। ऐसा ही होगा। लीजिए भोंपू जी, आपका भाषण तैयार है, इसमें मैंने जनता को लुभाने वाली सारी बातें लिखी है। लेकिन यह भाषण असरदार साबित होगा या नहीं? पब्लिक मीटिंग
में जाने से पहले आप तजुर्बे के तौर पर यह भाषण किसी दोस्त को पढ़कर सुनाइए। हाँ यह बात ठीक है। सुगनू मल खाली बैठा है, उसके पास जाना चाहिए। सुगनू मेरा भाषण सुनना और बताना कि यह तुम्हें कैसा लगा। भाइयों और बहनों, अगर आप मुझे वोट दिया तो मैं आपके लिए मकान बनाऊंगा, महंगाई दूर करूंगा, सबको रोजगार दूंगा। है यह तो सो गया, लगता है भाषण का असर नहीं हुआ। हुआ है, इन्हें नींद आने की बीमारी थी, आज पहली बार सोए हैं।